प्रणाम गुरुदेव जी, मैंने 8 साल पहले आपकी दीक्षा ली थी और मैं जब से आप प्राणायाम जब तब सब कर रहा हूँ। मेरे जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं तपस्या उस अपनी वो साधना करता हूँ, मंत्र चालू रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संसार से कुटप हो गया, मुझे अपना ध्यान नहीं रहता, तो मुझे कुछ डर सा लगता है। इसके बारे में मुझे आप बताइए। डर लगता है तो देह में प्रीति है, और डर लगता है तो मन को लगता है मैं उसको जानता हूँ। मन को डरना है तो डरे, मैं डर का भी साक्षी हूँ। और हम हैं अपने आप डर के बाप। आप आगे ऐसी जारी रखेंगे? हाँ, जारी क्या रखना है, ओम करके चुप हो जाया करो। ये जो जैसा साधना बताते ना, हरिओम करके चुप, इसको बढ़ा दो। ईश्वर की ओर, भगवान नाम नहीं, ईश्वर की ओर और नारायण स्तुति, उस पुस्तक का अध्ययन और ध्यान, फिर अध्ययन फिर ध्यान, इससे एकदम बढ़िया हो जाएगा। मैंने कई बार आपके मिलने की कोशिश की लेकिन आपसे मिल नहीं पाया, तो मेरे मन में ये धारणा आई कि शायद गुरुजी जो अमीर लोगों से ही मिल पाते हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जी आपसे। चलो, ऐसा नहीं है। आपके आपके आप आपके द्वारा, आपसे आशीर्वाद के द्वारा मेरे सब काम जो भी मैंने सोचा अब तक सिद्ध होते चले आए गुरुजी। तो फिर अमीरों से कैसे मिलते हैं? तुम्हारे से भी मिलते हैं गुरुजी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बाहर से नहीं मिलते तो भीतर से तो मिले मिलाए हैं सबसे। आप मुझे क्षमा कर दीजिए इस बार। हाँ, कोई बात नहीं। हरिओम, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये तुम्हारी बात सच्ची है। जब से काम बढ़ गया तब से ये हमारे इर्द गिर्द जो है ना मिलाने वाले, वे अमीरों से मिलाते, गरीबों को नहीं आने देते। उनको पैसे में लोभ है, और मैं मना भी करता हूँ, आवश्यकता वाले से मिलाओ, और जिसके पास होगा कवर उसी को ले आएंगे, दूसरे को बेचारे को नहीं आने देते। अब इसलिए मैं कवर भी फेंका करता हूँ। तुमने देखा होगा, पैसे कई बार फेंकता हूँ, वापस करता हूँ। देखा किसी ने? हाँ। अमीरों से मिल पाते तो पैसे वापस क्यों करते? पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूसाल आश्रम में रहता हूँ गुरुदेव। ऐसा ध्यान करते करते एक बात विशेष ये करती है कि जब सभी पूर्ण विश्व पूर्ण जगत परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, तो ये बुद्धि मन सभी उसी से उत्पन्न हुए जाने, तो इस मन में मलिन विचार क्यों आते हैं? बुद्धि में कभी मन में ऐसे मलिन विचार, नीचे की बातें क्यों आती है गुरुदेव? वासनाओं के कारण, रजो तमो गुण के कारण, वासना के कारण। देखो, मीठा खाना है तो चरपरा खाने से मिठाई का स्वाद भी आता है, ये सब ऐसी लीला है। सत असत, शुभ अशुभ, मलिन शुद्ध, सब। हो गया ना? अब उधर ले जा। सदैव ब्रह्माकार वृत्ति मेरी बनी रहे, इसलिए गुरुदेव मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ये संभव ही नहीं है। सदैव ब्रह्म की वृत्ति नहीं होती। वृत्ति होके ब्रह्म का पता चल जाता है। सदैव ब्रह्म तो है, वृत्ति सदा नहीं रहती। वृत्ति ब्रह्म की वृत्ति तो अज्ञान का पर्दा हटाकर स्वयं बिचारी शांत हो जाएगी, वृत्ति निवृत्त हो जाएगी। भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ध्यान में गुरु मंत्र जपना चाहिए कि ध्यान कैसा करना चाहिए? हम रोज तो दिखाते हैं, रोज सिखाते हैं, रोज बोलते हैं ध्यान कैसा करना चाहिए, रोज कराते भी हैं। तुम कभी आया नहीं क्या सत्संग में? आए गुरु जी। तो ध्यान कैसा करना चाहिए कभी देखा नहीं?
मेरे मन में प्रश्न आया कि गुरु मंत्र जपते करना कि वैसे ध्यान करना, ये गुरु मंत्र का अर्थ समझते समझते शांत होते जाना तो ध्यान। और फिर मैं कौन हूं ऐसा अपने को पूछते पूछते खो जाना ध्यान का बाप है। हाँ गुरु जी, कैसा ध्यान का भी बाप। और चलते फिरते वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव है। भला बुरा सभी वासुदेव स्वरूप लीला है। तो जल्दी आत्मज्ञान में पहुंच जाएंगे। श्री सद्गुरु देव, अपने अपने आसपास वालों को ऋषि प्रसाद है, साहित्य है, उससे थोड़ा भगवान के रास्ते लगाना चाहिए। आप भी लगे, दूसरों को लगाने की सेवा करते रहना चाहिए। हाँ, श्री सद्गुरु देव की चरणों में सतत कोटि प्रणाम करने के पश्चात एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आज्ञा दें। तुम तो समय बर्बाद कर दिया जी। एक संत ने बताए थे कि ओम का जाप करने से त्रिगुणात्मक ताप से पार नहीं हो सकता है, वह तीन गुणों के अंदर आता है। हाँ? ओम का जाप करने से त्रिगुणात्मक ताप से पार नहीं हो सकता है, वह तीन गुणों के ही अंदर आता है। जबकि भगवान कहने की तुम तीन गुणों से पार हो जाओ, भगवान कृष्ण कहने की तीन गुणों से पार हो जा, तो क्या ओम का जाप करने से तीन गुणों से पार हो जा सकता है। देखो, उस संत ने कहा वो भी सच्चा है और हम भी कहते हैं वो सच्ची बात है जी। त्रैगुणा विषया वेदा, ये कृष्ण ने कहा, निस्त्रैगुणा भवार्जुना, ये वेद और उच्चारण वाणी ये भी तीन गुणों में ही है। लेकिन तमोगुण को जीतने के लिए रजोगुण, रजोगुण को जीतने के लिए सतोगुण, आज सतोगुण में आ गए तो गिल्ली को एक डंडा मारा ऊपर उठी और दूसरा मारा तो उड़ी, फिर जाके वहाँ शांत बैठी। तो ओंकार का जप करते करते जप जहाँ से होता है उसमें शांत हो गए तो त्रिगुण अतीत हो गए। फिर शांति अशांति को जो तत्व जानता है वो मैं हूँ, तो त्रिगुण अतीत हो गए। समझ गया बच्चा? और भारती में एक बड़ा कुशलता है, उसके संग में जो भी आएगी, कितनी भी कामी हो भाई, कितना भी काम विकार में गिरी हुई कोई हो, भारती की दोस्ती में आते ही धीरे धीरे जैसे भारती की माँ मजबूत है, काम विकार से बचने में सफल है, ऐसे भारती को भी माँ का तो है ना, माँ का दूध है। भारती की माँ को जैसे संयम में, सत्संग में रुचि है, ऐसे भारती को सत्संग में रुचि हो जाए। बस संयम में तो बहादुर हो गए, अब सत्संग में बहादुर हो, फिर देख लो क्या करते हैं। नारायण 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 नारायण, तो अकेली भारती नहीं, भारतियां से भी मेरे कई बच्चियां हैं, ध्रुव है, दूसरी है, क्या क्या नाम लूं, कितने कितने का लूं, एक भारती नहीं, मेरे तक सैकड़ों हजारों भारतियां हैं। पहले वो खाएगी, फिर नारायण की बहन भारती खाएगी, पहले ये नारायण खाएंगे आश्रम वाले, फिर भारती का भाई नारायण खाएगा। समझ गए? पहले आश्रम के नारायण खाएंगे, फिर भारती का नारायण खाएगा, पहले महिला आश्रम की भारतियां खाएगी, फिर नारायण की भारती खाएगी।
यह है सिद्धांत इधर का। चलो क्या सवाल है? बापूजी चरण स्पर्श में बापू सादर प्रणाम। बापूजी कोई भी नियम साधना करेंगे तो मन और बुद्धि दोनों लगाना पड़ता है, लेकिन आजकल तो ऐसा माहौल है कि वो दोनों को ही खराब कर देता है, अब क्या करें? माहौल क्या है आजकल? ऐसे माहौल में रहते हो कि उसमें मन और बुद्धि दोनों ही खराब कर देता है। सही बात है, शाबाश। माहौल ऐसा गंदा है कि मन बुद्धि खराब कर देता है, और मन बुद्धि भगवान में लगाना चाहिए। और खराब माहौल में मन बुद्धि खराब है तो लगती भी नहीं है, अब क्या करें? देखो जो खराब है वो अच्छा भी हो सकता है, अच्छा और खराब दोनों प्रकृति में है। ये कौन बैठा है? और खराब दोनों प्राकृतिक है। हाँ बैठा कर इधर, बैठ जा बैठ जा। हे गुरुजी, मैं माला करते करते मेरे इष्टदेव प्रकट होते हैं और वो ओमकार जपने की प्रेरणा देते हैं, और ओमकार जपते जपते जो पीछे निराकार स्वरूप है वो हृदय में छलकने लगता है। कहाँ से? हृदय में छलकने लगता है, और उसमें जहाँ मेरे इष्टदेव और जो गुरुदेव का रूप है वो जो वहाँ रमण करते हैं, वो गुरुदेव और इष्टदेव वहाँ रमण करने का मन करता है। जहाँ मेरे इष्ट डायरी लिया, जहाँ इष्टदेव रमण करते हैं वहाँ रमण करता है, और निर्विकल समाधि होती है ऐसा लगता है। गुरुदेव मन बुद्धि और शरीर से ऊपर बस कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं होती कि ये चाहिए ये चाहिए कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये लगता है कि बस अपने गुरुदेव के का जो तत्व है वो हृदय में, मैं उनके हृदय में रहूं, वो मेरे हृदय में रहे। क्या यही आत्म साक्षात्कार का एक रूप है या और कुछ है? तुम अपना बायोडेटा बताओ। मैं श्याम गुप्ता ग्वालियर से हूँ, मेरा शरीर श्याम गुप्ता, मैं ग्वालियर से हूँ। इतना ही है जी? MP। अरे बायोडेटा बताओ। तो इधर मेरे पास ले। पहले मेरे तीव्र बैराग। क्या नाम है उसका? भगवान, मेरे जो पहले तीव्र बैराग था वह बैराग जो है बिखर गए, उसके लिए अब क्या करूं परमात्मा आप ही बताइए। आपके जो शरण में मैं बार बार आता हूं फिर भी मैं बिखरा हुआ हूं भगवान। आ जा इधर, आ जा, तू भी बैठो सामने। जो भविष्य में मिलेंगे वो भगवान को भी हम नहीं चाहते, जो दुर्लभ है वो भगवान भी हमारे काबिल नहीं है, हम उनके काबिल नहीं। हमको तो वो भगवान चाहिए जो दूर न हो, दुर्लभ न हो, भविष्य में न हो और कठिन न हो और अपना आपा बन के बैठा हो, वो भगवान चाहिए और कभी छूटे नहीं अपने से। है प्रेम जी साहेब, कैसा भगवान चाहिए? समय खराब होता है बस। साईं पहले हम आश्रम में रहते थे, फिर हम घर चले गए अपनी वासना के कारण। अभी हमको लगता है हम जितना जल्द से जल्द आत्म साक्षात्कार करें उसके लिए हमें क्या उचित रहेगा साईं? हम घर में होते तो साक्षात्कार हो जाता,
हम घर में रहते तो हमको साक्षात्कार हो जाता? जी नहीं। बस हो गया जवाब। पंजाबी घर में रहता तो इतना ऊंचा उठता? पंजाबी तू घर में पड़ा रहता तो इतनी उन्नति होती तेरी? गुरुदेव जी, आसारामन का पाठ करते करते हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कई बार हुआ मेरे साथ। तो हनुमान जी बोलते हमसे वरदान मांगो। सुनाई नहीं पड़ता, इधर हो। आसारामन का पाठ करते करते हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं हमसे वरदान मांगो। हम कहा हम गुरुदेव के होते हुए आपसे वरदान नहीं मांगेंगे, हम अपने गुरुदेव से वरदान मांगेंगे। तो ऐसी एक बार स्थिति हुई, पंचमुखी हनुमान जी भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो हमने कहा आपने हमको बहुत सारे चांदी के सिक्के दिए। अरे माइक मुंह पे रखने मूर्ख। आसारामन का पाठ करते करते हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, हनुमान जी बोलते हैं हमसे वरदान मांगो, ऐसा फिर माइक नीचे करता है। अरे आसारामन का पाठ करते करते पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कई बार हुआ। तो मतलब गुरुदेव भी मन का, मैं अपने गुरुदेव से ही वरदान मांगूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा, ऐसे कई बार उनसे मतलब बहस हो गई मेरी हनुमान जी से। तो आसारामन में क्या होता है, जैसे हम घर में जैसे चार सदस्य है, तो थोड़ा सा मतलब हम मतलब ऐसा झूठ बोल देते कि हमारे इतने पाठ हो गया, फिर उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं जैसे आपकी जो गलतियाँ हो गई है, आप एक हनुमान जी का पाठ कर लो, आपकी सारी गलतियाँ माफ। हमने कहा ऐसा नहीं, हम तो जितना पाठ करेंगे वो तो पूरा मिलाएंगे, हम अपने गुरुदेव का पाठ पूरा करते हैं। और गुरुदेव, मेरा भी ऐसा एक संकल्प है कि मैं एक दिन में पूरा 108 आसारामन का पाठ कर लेता हूँ। और हनुमान जी से कई बार बहस हो गई वरदान मांगने को बोलते हैं, और मैं इनका मतलब अपने गुरुदेव से वरदान मांगूंगा। और आप प्रकट हुए, आप भी खड़े, इधर हनुमान जी भी खड़े, पंचमुखी हनुमान जी भी खड़े, आप भी खड़े। तो मैंने कहा मतलब अपने गुरुदेव से ही वरदान मांगूंगा, आपसे नहीं मांगूंगा। मैंने कहा मैं, फिर आप प्रकट हुए तो आपने बहुत सारे चांदी के सिक्के मुझे दिए, बहुत सारे चांदी के सिक्के दिए, और फिर आप अंतर ध्यान हो गए। अब आशा रामायण का पाठ एक ही करना है, एक बार, बाकी जप करना है और शांत होना है। आशा रामायण का 108 पाठ नहीं करना है, एक दिन में एक पाठ करो और बाकी जप या श्वासोश्वास की गिनती, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ो, जीवन विकास पढ़ो, और उसमें शांत रहो। 108 पाठ रोज नहीं करना, फिर हफ्ते में 4 पाठ करेगा तो भी चलेगा, रोज नहीं करेगा तो भी चलेगा। गुरुदेव जी, और मैं ऋषि गुरुगीता पढ़ता हूँ, तो इस उद्देश्य से पढ़ता हूँ कि मेरा एक संकल्प है कि मतलब जो ऋषि प्रसाद का जो कार्य जिस प्रकार यहाँ नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में किया, मैं मध्य प्रदेश में करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ऐसा संकल्प लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा जब तक ऋषि प्रसाद का कार्य न हो जाए, और गुरुगीता को उसी उद्देश्य से पढ़ता हूँ मैं, जब भी टाइम मिले 2-3 बार पढ़ लेता हूं। छोड़ दे, गुरु गीता को भी ज्यादा मत पढ़, ईश्वर की ओर पढ़। मुख्यमंत्री जी से मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शांति करो, मतलब अब वासना छोड़ दो अपनी, ऐसा चाहूं ऐसा चाहूं, जो हम बोले वो करो। अच्छा गुरुदेव, जो हम बोलते वो करो, कल्पनाओं में मत मरो, बस बस जो हम बोलते वो करो, अपना जिद छोड़ो। आसारामन का पाठ 108 नहीं करना है, और गुरु गीता बहुत सारी नहीं पढ़नी है, ईश्वर की ओर भी पढ़ना है, जीवन विकास पढ़ना है, जप करना है, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, इस झंझट में मत पड़ो, ईश्वर को पालूं, ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, ये ऐसा इस राज्य में ऐसा हो जाए, इधर हो जाए, इसमें उलझ जाएगा। मन की इच्छा वासना पूर्ति में दवाई तो हो रही है, और दवाई क्या करना, उसकी इच्छा के चुंगल में ना आओ। ऐसा हो जाए मेरी इच्छा है, ऐसा हो जाए मेरी इच्छा, इच्छा डाकिनी है, इच्छा हुई पूरी भी हो जाएगी तो क्या, फिर वैसे के वैसे। इच्छा ही बड़ी दुष्ट है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, मगर चाह करके भ्रष्ट है। ध्यान भजन और जप करते करते ऐसी स्थिति आती है कि फिर कहीं संसार में जो व्यवसाय में जाने की इच्छा नहीं होती, क्या करें क्या ना करें, बिल्कुल नहीं लगता कि इतना कम समय है, और तो क्या करें।
अरे जो काम करने के लिए जन्म मिला है वो काम छोड़ के संसार में जाते हो तो मूर्ख है ही है। जी जी बाबू जी, मूर्खों की महफिल में कब तक रहना। आश्रम खुले हैं, साधना करनी है तो आश्रम खुले, इसको दे दे चिट्ठी, ध्यान भजन के लिए आश्रम खुला है, ठीक है। अरे अपना ध्यान भजन अनुष्ठान। गुरुदेव को कोटि-कोटि वंदन। अच्छा गुरुदेव जी, आपने जैसे कहा है कि इंद्रियों को मन में लेके आओ, मन को बुद्धि में लेके आओ, और वो करते समय इंद्रियों तो मन में आ जाती है मगर आगे की यात्रा नहीं होती, बुद्धि समझ में नहीं आती बुद्धि क्या है, मन के आगे जाती नहीं यात्रा, तो जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच कैसे पहुंचे। वो ऐसा नहीं, अलग अलग जगह पे नहीं है, ऐसा नहीं कि इंद्रियों को मन में ले आओ, मन को बुद्धि में डालो, बुद्धि को जीवात्मा में घुसेड़ो, जीवात्मा को परमात्मा में घुसो, ऐसा कोई बक्सा सिस्टम नहीं है। चिंतन मात्र से शांत हुए तो इंद्रियां शांत हुई, इंद्रियां शांत हुई तो मन में आएगी, मन शांत हुआ तो बुद्धि में आ जाएगा, और बुद्धि और फिर जीवात्मा और ये सब मिला मिलाया है, स्फूर्णे से अलग अलग दिखता है। लेकिन इस झंझट में भी मत पड़ो, वासुदेव सर्वमिति, मैं भगवान का भगवान मेरे, ओम आनंद ओम चैतन्य, अपने आप मन बुद्धि सब जीव भी सब स्वा, जीव कोई अलग वैरायटी चीज नहीं है, वही ब्रह्म परमात्मा। जब जीने का स्पूर्णा होता है चिदाभास, अपने को जीव मानता है, वास्तविक स्वरूप में जानो तो वी ब्रह्म ही है, वास्तविक स्वरूप में तो वो भी ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, मन इंद्रियां बुद्धि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सबको ब्रह्म में डाल दो, सब में ब्रह्म, सब ब्रह्म में, जहाँ एकदम छलांग एकदम मौज हो जाएगी। ऐसे करता बन के करेगा तो थक जाएगा, सदा नहीं लगेगा। इंद्रियों को मन में लाया, मन को बुद्धि में लाया, फिर जीव में लाए, इसमें फिर रुक जाएगा, जो है उसमें हूँ मान लो बस। अपनी मेहनत करके करोड़पति होना है, इसकी अपेक्षा करोड़पति के गोद में बैठ गए, बस हो गया, ब्रह्म के गोद में हो गए, हैं? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करे। भाणो आयो छे। गुरुदेव जी, मेरा प्रश्न ये है कि गुरु भक्ति कैसे बढ़े और साधना गुरु सेवा में रुचि कैसे बढ़े। गुरु भक्ति कैसे बढ़े, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु भक्ति बढ़ाना है तो सुरेश का चेला हो जा। जी गुरु जी। सुरेश भैया है ना, सुरेश बाप जी। जी गुरु जी। हाँ, उनके संपर्क में आएगा तो गुरु भक्ति बढ़ जाए। सुरेश को जितना मिला है उतना तो शायद कोई बड़े बड़े मंडलेश्वरों के पास भी नहीं होगा। जी गुरु जी। बड़े बड़े करोड़पतियों के पास भी वो खजाना नहीं है जो सुरेश के पास आ गया, क्या ख्याल है। बड़े बड़े मिनिस्टरों के पास भी वो खजाना नहीं जो सुरेश ने पा लिया। मिनिस्टर को इतना आदर से लोग नहीं मानते देखते जितना सुरेश को देखते हैं। मिनिस्टर के लिए लोग इतनी पलके नहीं बिछाते जितना सुरेश के लिए बिछाते। मिनिस्टर लोग आगे कहाँ पहुँचेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन सुरेश जहाँ पहुँचेंगे वहाँ मिनिस्टर का पहुँचना तो कठिन है, क्या ख्याल है। सुरेश अभी जहाँ पहुँचा हुआ है वहाँ तो मिनिस्टरों का पहुँचना भी कठिन लग रहा है। सुरेश बहादुर है कमाई करने में, उपवास भी कर लेता है गुरुवार का, गुरुदेव का वार है। ऐसा नहीं तुम लोग उपवास करो, लेकिन लड़ाई घुटाई पिटाई कुछ भी करो बेचारा। शिव शंकर काशी नहीं आया। बापूजी, मैंने पढ़ाई पूरी करके 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया था, 25 तारीख से आ गया था। गुरु पूर्णिमा तक मेरा अनुष्ठान भी 18 दिन के आधा से ज्यादा हो गया है।
गुरु जी मैं घर से आया था अपनी माँ से बोल के कि मैं रक्षाबंधन के पहले पहले घर आ जाऊँगा, माँ को कसम दी थी कि मैं आत्म साक्षात करके प्रभु प्राप्ति करके आऊँगा। ये प्रभु जी अब मैं रक्षाबंधन के पहले संसार सागर में मेरी मौत होने वाली है, प्रभु जी मुझे बचा लीजिए इस संसार सागर में मैं डूबने से पहले, जैसे राजा परीक्षित ने 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया था वैसे ऐसी बात है। वैसे ही गुरु जी मुझे अनुष्ठान में जाता हूँ, बचा हुआ अनुष्ठान वाटिका में पूरा करूँ, और जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है जीवन में जो जिस कारण मैंने मानव देह धारण करी है, प्रभु जी मैं उस लक्ष्य को पूरा करूं, और मेरा कोई जीवन का लक्ष्य नहीं, मैं अज्ञानी हूं प्रभु जी, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, आप जो बोलो आप जैसा बनाओ वैसा बना दो। पक्की बात है, पक्की बात है गुरु जी, संसार सागर में जाने पता नहीं, मैं माँ को वचन दे के आया था कि मैं आऊंगा तो जरूर वापिस आ जाऊंगा, माँ मानी नहीं थी, मैं आऊंगा जरूर, मेरे को कसम है तेरी, पर मैं आऊंगा तो ईश्वर प्राप्ति करके ही आऊंगा। शाबाश है प्रभु जी, मैं वाटिका में अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहता हूँ, बचा हुआ जो भी ठीक है भंग हो गया था बाटी इनकी व्यवस्था करेगा बाटी का प्रभु जी, ईश्वर प्राप्ति करके ही जाओ, ऐसे काहे को जाना, मैं भी माँ को वचन दिया तो ऐसे थोड़े आया, प्राप्त करके फिर आया। हाँ प्रभु जी, हाँ आए को मरना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए तो मनुष्य शरीर मिला और बन गए किसी के नौकर, बन गए किसी के गुलाम। क्या कहाँ तो ब्रह्म इंद्र भी मत्था टेके ऐसा योग्य आदमी, और कहाँ जरा जरा बात में गुलाम बन गया 12,000 का 12,00,000 का। क्या है वो हमारा बॉस, बॉस बॉस के भी ऊपर सेठ, और वो सेठ भी एक राज्य में तो बबलू, राष्ट्र में तैसे कई सेठ होंगे, नोकिया कंपनी जैसे सेठ तो कई होंगे वहाँ, अब ऐसे टट्टू का गुलाम दास लो क्या जख मार लिए पढ़ लिख के, इधर उधर की डिजाइन बना ली, पुस्तक लिख ली, क्या जख मार लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमने पाया वो बड़ी बात है। 2,50,000 क्या 2,50,000,000 भी महीने में मिले तो उसमें क्या जख मार गया, आत्मा को तो जाना नहीं, आत्मा को तो जाना नहीं, देह को तो सत्य मानते हैं, संसार सच्चा लग रहा है, जो है बदल रहा है मिथ्या है वो तो सच्चा लग रहा है, जो मरने वाला है उसको तो मैं मानते थे, क्या कल का दिवाला है कि नहीं है, अब तो मेरे को लगता है कि सुरेश का कुछ ये सुरेश का हैप्पी बर्थडे आ रहे हैं आजकल, सुरेश की जिंदगी में, सुरेश और गिरीश की जिंदगी में, और वो डीएसपी कुणाल की जिंदगी में कुछ कुछ विशेष दिव्यता आने का लगा आज मेरे को सुबह। सुरेश इधर अखबार निकालता तो इधर निकाल, यहाँ से ये लोक कल्याण निकलता है अपना, लोक कल्याण अथवा तुम्हारा अखबार दोनों निकालो यहाँ से। घर में रहते हैं वहाँ पर गांव का और घर का वातावरण अनुकूल नहीं है प्रभु जी, मैं आश्रम में रहना चाहते हम दोनों, वो दो बच्चे भी हैं मेरे। कहाँ का है? मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में, हम झेरा राजपुरा है वहाँ पास में। क्या करते काम? घर में गांव में किराने की दुकान है प्रभु जी। कितना कमाता है? 500 रुपये लगभग कमा लेते रोज के। दो भाई हैं हम दोनों साथ में, अब ऐसा दुकान में जाने की इच्छा नहीं होती, वहाँ पे बीड़ी सिगरेट ये पाउच वगैरह बेचना पड़ता है, मेरी ऐसी इच्छा नहीं होती कि ऐसा करें, महुए वगैरह बेचते हैं वहाँ, शराब पीते हैं लोग, दुकान चलाने की इच्छा नहीं होती मेरी, दुकान में लोग बगाते बीड़ी सिगरेट पीते धुआं निकालते, अब उनको मना बोलता हूँ ऐसा चलता, तो बहुत बार मैं यहाँ पे आश्रम में आ चुका हूँ प्रभु जी, अब जैसा मेरे लिए
अनुकूल हो। मैं ड्राइविंग भी जानता हूँ, कभी कभी ऐसा विचार आता है कि मैं ड्राइविंग जानता हूँ तो वैन ले लूँ घर की खरीद के और प्रचार प्रसार ही करूँ, बस युवा धन का है, बाल संस्कार वगैरह यही प्रचार प्रसार करूँ। ये बढ़िया रहेगा, कमाई भी होगी, धर्म का प्रचार भी होगा, और कमीशन से भी गुजारा हो जाएगा, और कहीं कम ज़्यादा हुआ तो ऐसे बोनस मिल जाएगा। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ले ले। और उसमें भाटी सहयोग करेंगे, भाटी और भरे वाला। चलो ठीक है। पूज्य गुरुदेव, गीता में भगवान ने कहा है कि मन बुद्धि सब मैं ही हूँ, विचार स्मृति विस्मृति सब मैं ही हूँ। फिर कहते हैं कि ये इंद्रियां गुणों की वजह से सब कुछ होता है। फिर अर्जुन को कहते हैं कि तू अपना मित्र बन, यत इच्छा से तत् करु। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अरे करोड़ों बातें होती तो दो बात होने में क्या आपत्ति है? जिस एंगल से देखोगे उस एंगल से सही है वो। सब मैं ही हूँ, जब सब ब्रह्म भाव करोगे तो सब उसमें आ जाएगा। और पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, टहनियाँ भी हैं, डाली भी हैं, बीज भी हैं, डाला भी है, लेकिन सब वृक्ष है। लो हैं, झाग भी है, बुलबुले भी है, भंवर भी है, लहरें भी हैं, लेकिन सब समुद्र है। तो सही बात है, मन बुद्धि इंद्रिया सब वासुदेव है, तो सब मैं ही हूँ। वासुदेव समझते अपने को व्यापक ब्रह्म जानते, और नहीं तो बोलेंगे जा तमेव शरणम गच्छ, तू जा शरण में सर्व भाव से, मेरी शरण आ जा। तो यही भगवान की शरण है, वासुदेवम सर्वमिति। तो कुल मिलाकर क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए कि करने का अंत हो जाए। करना तो चलता रहे लेकिन कर्तापने का अंत हो जाए। मैं करता हूं, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बापू, मैं यहाँ आश्रम में रहा था 14 महीने और फिर घर चला गया था। तो अभी मेरी ऐसी स्थिति कि घर जाकर भी मुझसे न होने लायक घोर पाप भी हुए हैं। तो मैं अभी आश्रम में आता हूँ तो घर मन लगता है, और घर जाता हूँ तो आश्रम में रहने की इच्छा होती है। तो गुरुदेव मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा प्रारब्ध क्या है, मैं भटक रहा हूँ ऐसे बापू। प्रारब्ध तो मूर्खों के लिए होता है, पुरुषार्थी के लिए प्रारब्ध का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का पुरुषार्थ किया तो प्रारब्ध को कुचल के चल पड़ता आदमी। प्रारब्ध तो बंदों के लिए है, बंदों के लिए। बापू आप अभी जैसे आज्ञा दोगे मैं वैसा ही करूंगा बापू, आप जो भी सेवा देंगे मैं वो करूंगा। शादी किया है? नहीं किया बापू अभी। तो फिर अभी तो बच सकता है, भाग सके तो भाग। बोले शादी के समय घोड़े पर क्यों बिठाते? अरे घोड़े पे इसलिए बिठाते हैं कि कुणाल भाग सके तो भाग, भाग सके तो भाग, फंसने के पहले भाग सके तो भाग। 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, उसमें 22 नाड़ियां अत्यंत मुख्य है। 22 में 10 दाएं मस्तक के तरफ, 10 बाएं, 21वीं नाड़ी तालु में है। तालु में जीव लगाए तो कोई कितना भी डांटे, बॉस बॉस पर इंप्रेशन पड़ेगी, उसकी डांट वो वापस ले लेगा। कुणाल और ये समझ गए तुम लोग? हमारे चेले किसी के नौकर नहीं होते, हमारे चेलों का कोई बॉस नहीं होना चाहिए, हम बॉस हैं बस। जिसका बापूजी बॉस है उसका दुनिया में कोई बॉस नहीं है। जिसने अपने अपने गुरु को बॉस मान लिया उसका दूसरा कोई बॉस नहीं हो सकता। बापू अब मैं क्या करूं? बापू
सुन, खाली सुन। तो 21वीं नाड़ी होती है ब्रह्म नाड़ी, तालु में लगा हो, वो तालु की नाड़ी। और 22वीं होती है ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ब्रह्म नाड़ी मजबूत होती है, तो ब्रह्म साक्षात्कार जल्दी होता है। तो स्त्री के संग रहते रहते वो ब्रह्म नाड़ी कमजोर हो जाती, तो जीवन भर सुनते सुनते भी बेचारे दीनहीन गुलाम बने रहते, सुकड़े रहते बेचारे। और ब्रह्म नाड़ी मजबूत हो गई तो अटल भी सुकड़ के आ जाए। ब्रह्म नाड़ी की महिमा, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव मैं मतलब छत्तीसगढ़ से आया हूँ, अभी 3 फरवरी को ही दीक्षा लिया हूँ और यहाँ 40 दिन का अनुष्ठान करने के लिए आया हूँ आत्म साक्षात्कार के लिए। देखो मिल लेना, बाटी से मिल लेना, कैसा है अपने घर पे कर सकते हैं या कैसे देख लो यथा योग्य। चलो अब महिलाओं के तरफ माइक ले जाओ, संचालिकाएं महिला। सद्गुरु के देव आपने अपना, गुरुदेव आपके श्री चरणों में आपका कोटि कोटि वंदन है। मैं दीक्षा लिया हूँ, 10-12 साल हो गया, शरीर भी करता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। अभी मुझे संसार में रहता हूँ लेकिन मैंने शादी अभी तक की नहीं है, पर अभी मेरी इच्छा हुई है कि अकेला रहने की, साधना वगैरह करने की है, तो क्या करूँ अभी? तो हाँ, संसार में नौकरी में मायों के बीच शादी वालों के बीच रहेगा तो शादी नहीं करने के बाद भी खाली होता रहेगा, इसीलिए शादी नहीं करना है तो फिर ऐसी जगह रहो कि शादी के पहले ही ब्रह्म नाड़ी मजबूत हो। ऐसी सेवा ढूंढ लो, ऐसा काम करो। जब शादी नहीं किया है तो फिर शादी तो फिर हो जाएगी, लेकिन एकदम खाली होने के बाद तो फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। परमात्मा पा लो तो शादी तो हो सकती है फिर, और शादी हो जाने के बाद फिर वो ब्रह्म नाड़ी को कब संजोएंगे। चलो दूसरे को माइक दो, जल्दी करो। पूज्य गुरुदेव, पहले मैंने बापूजी से प्रश्न पूछा था कि मेरे को शांत अंधेरा दिखाई देता है, तो बापूजी बोले उसको देखने वाला जो है उसको देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी माला करने की इच्छा नहीं होती और जब माला नहीं करता हूँ तो उसके बाद उस दिन में मन बहुत चंचल भी रहता है, क्या करूँ मैं? कभी कभार शांत बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस बैठा ही रहूँ और उसमें समय कितना बीत जाता है मेरे को पता नहीं लगता है। कौन है जी? आश्रमवासी। कहाँ? इधर अहमदाबाद में जी। हाथ ऊपर करो, क्या सेवा करता है? साहित्य विभाग में। माला का नियम तो कर लिया करो, ज्यादा न करो तो नियम तो करो ही। तुम्हारी स्थिति से भी राम सुखदास जी बहुत आगे थे, हम कभी मिलने जाते तो उनके सेवक बोलते अभी थोड़ा देर स्वामी जी जप कर रहे हैं। तो जप जो नियम है वो तो माला करना ही चाहिए, 10 माला तो करना ही चाहिए। और फिर चलते फिरते भी मंत्र का उच्चारण और उसी के अर्थ में रमना चाहिए। चलो गुरु जी के श्री चरण में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, जब मैं 2004 महीने में पहले दीक्षा लिया तो उससे पहले मुझे काम विकार बहुत सताते थे। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं ये जो हस्त मैथुन वगैरह से बच पाऊंगा, लेकिन जब आपसे दीक्षा लिया और बड़दादा की फेरे फिरा तब मुझे पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतना शक्ति आया कि मैं 1 साल से ज़्यादा तक भी हस्त मैथुन ना करके रह पाया। तो प्रभु जी अब क्या चाहता है? नहीं प्रभु, अभी कभी कभी बहुत, जब से मैं बाहर में पढ़ाई कर रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन जब काम भी कर 2 महीने तक नहीं होता, लेकिन जब जब होता है तब अच्छी तरह गिरा लेता है मुझे।
जब तो 5 दिन 7 दिन तक मतलब बहुत जोर से अंदर से बहुत अच्छा नहीं लगता जब काम भी कर रहे थे। सर्वांगासन क्या करो और मूल बंद करो सर्वांगासन करके, ताकि वो जो वीर्य बनता है वो ऊपर आए मस्तक में शरीर में मजबूती करे। प्राणायाम कस के करो, 1 मिनट अंदर 40 सेकंड बाहर, और वो मूल बंद करके प्राणायाम करो। और आंवले के चूर्ण में 20% हल्दी मिला के 3-3 ग्राम फाका करो, और युवाधन पुस्तक पढ़ा करो। अब शादी नहीं किया है तो पहले ईश्वर प्राप्ति करके फिर जाओ, अथवा तो खाली होके मरो फिर जन्मो फिर करो, तुम्हारी मर्जी की बात। चलो हो गया ना गुरुदेव। हाँ जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपसे मेरी बात हुई थी पुणे में, मैंने आपको बोला था कि मुझे 1.5 लाख महीने का मिलता है। दूसरे दिन आप मेरे सपने में आए गुरुदेव, और आपने बोला कि बेटा आत्म साक्षात्कार के लिए अनुष्ठान करोगी, तो मैंने ऑफिस में बोल दिया कि मुझे रिज़ाइन करना है, तो उन्होंने या तो फिर मैं अभी जा रही हूँ, 40 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि रिज़ाइन क्यों करना है। ऐसे पहले बार और भी हुआ था जब मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ और मैं झूठ बोलकर आ गई थी यहाँ पे, लेकिन इस बार तो मैंने रिज़ाइन करने का उनको बोल दिया। फिर उन्होंने बोला नहीं आप छुट्टी लेकर जा सकते हो, हमें आपको खोना नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, और फिर अनुष्ठान आपकी कृपा से गुरुदेव, मैं हर रोज़ सिर्फ नियम ही करती थी, लेकिन 7 दिन में आपने अनुष्ठान पूरा करवा लिया, और अब मैं नहीं बोल सकती गुरुदेव मुझे क्या चाहिए, बस आप जो देना चाहते हो वो गुरुदेव दे दीजिए। अब बस हम कुछ नहीं बोल पाते गुरुदेव। मैंने MBA किया है, और आप जब मैंने दीक्षा ली उसके पहले MBA में एडमिशन करवाया था मैं, लेकिन कॉलेज नहीं गई। फिर भी एक कमरा था उसमें आपका श्री चित्र था, और उसके नीचे बैठकर वो गोबर से पूरा रूम ये किया हुआ था, और वहाँ बैठकर मैंने पढ़ाई की। MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 3 बैकलॉग्स थे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गई गुरुदेव। और उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लगता काम में गुरुदेव, मेरे उत्तरायण शिविर में आपकी कृपा से 71,000 युवाधन बांटने का संकल्प लिया, और उसके बाद अभी 20,000 युवाधन बांट चुके हैं गुरुदेव। और गुरुदेव मैंने अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं लाया है गुरुदेव, अब बस आप जो देना चाहते हो वही देना गुरुदेव, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, बस आप चाहिए। डेढ़ लाख रुपया महीने में नौकरी थी, रिजाइन करके आ गई, पागल है गुरुदेव। गुरुदेव मेरी सैलरी बस 10,000 है, बहुत से मुझे जॉब के लिए तो 10,000 की सैलरी वाली सर्विस थी, युवाधन की सेवा करने से 1.5 लाख की हो गई। 10,000 की सैलरी वाली 1.5 लाख की हो गई, अब वो रिजाइन करके आई। गुरुदेव आप जो देना चाहते हो वो दीजिए। हाँ दो इसको माइक दो, क्या बोलती है गुरुदेव। आप मेरे सपने में आए थे दूसरे दिन आलंदी में, पहले दिन भी आपसे बात हुई थी तो आपने यहाँ सर पे हाथ रखा था 2 बार, दूसरे दिन भी बात हुई थी, फिर आप मेरे 3rd दिन सपने में आए और बोले कि बेटा आत्म साक्षात्कार के लिए अनुष्ठान करोगी, तो फिर गुरुदेव आप बताइए कि मैं क्या करूँ, आप जो चाहते हो आप जो देना चाहते हो बस वही मैं करूँगी गुरुदेव। बापूजी सुरेश 1.5 लाख की सर्विस छोड़ के आ गई, ठीक किया अजय।
ठीक किया इसने, कुणाल ठीक किया इसने, 1.5 लाख रुपया हर महीने मिलता था छोड़ के आ गई, ठीक किया है। कुणाल को कितना मिलता है? गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अनुपमा शर्मा दिल्ली से आई। मार्च में मैंने 40 दिन का अनुष्ठान पूरा करा था आपकी कृपा से। उत्तरायण में मैंने आपसे भिक्षा में यही मांगा था कि मुझे गुरुदेव आप 40 दिन का अनुष्ठान दे दीजिए। हरिद्वार जाके भी अभी मैंने आपसे मांगा कि गुरुदेव मुझे 40 दिन का अनुष्ठान दे दीजिए। मुझे मार्च के अनुष्ठान में बहुत कुछ प्राप्ति हुई, मेरे गुरुदेव साक्षात आप मिल गए, और क्या चाहिए। गुरुदेव मुझे घर के लोग बार बार रोकते हैं, मैंने सारी जिम्मेवारी पूरी कर दी है, सिर पे पति नहीं है, 2 बेटी 1 बेटा था उसकी आपने शादी कर दी है, सबसे फारिग हो गई हूँ। मुझे महीने के 6,000 पेंशन के मिलते हैं, मैं उससे आपके यहाँ आती हूँ जाती हूँ। गुरुदेव आपने मेरा ज्योतिष का केंद्र खोल दिया था, मैंने जब भी आपको बताया था। और गुरुदेव पहले मैं ज्योतिष का काम करती थी, बहुत करती थी, महीने का 40,000 रुपये कमा लेती थी। आप गुरुदेव कभी कोई आता है तो बता देती हूँ, नहीं तो मिलने के लिए मना कर देती हूँ। आप जो आज्ञा देते हैं गुरुदेव मैं वैसा ही करूँगी। 20 तारीख से मैं 40 दिन के लिए मोहन मंदिर में बैठी हुई हूँ, आप ही मेरा अनुष्ठान पूरा करेंगे। मैं गुरुदेव आपकी अखंड अखंड भक्ति के सिवा कुछ नहीं मांगती, बाकी जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव इस झोली में डाल दीजिए। बाद में रूबरू मिलना, रूबरू अभी मिलना थोड़ी देर में, चलो बस। हरिओम। गुरुवार आपके चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर शायद आपकी मर्जी थी इसलिए मेरी शादी होके 5 साल हो गए हैं, लेकिन जब से शादी हुई है तब से आप मेरा ब्रह्मचर्य ही करवाया है पति पत्नी का। और जब 2.5 साल हुए थे तब आपको मैं वाटिका में मिली थी, तो आपको बोला था गुरुवर पति आज्ञा से हम दोनों को आजीवन ब्रह्मचर्य चाहिए और आगे साधना बनाने की अनुमति चाहिए। तो गुरुवर आपने हमें 2 साल दिया और 2 साल के बाद मुझे मिलना, मैं आगे की बात बताऊंगा, ऐसा आपने बोला था गुरुवर। उस बात को 3 साल हुए, कुल 5 साल हो गए गुरुवर। आप हमें अभी आगे क्या करना है वो बताइए, क्योंकि हमारा अब संसार में संसारी चीज़ों में कोई मन नहीं है। आपने अंदर से इतना हमें पवित्र कर दिया है कि अब वो कचरे में अड़कना वगैरह हमको पसंद नहीं है गुरुवर। तो आप बताइए हम पति पत्नी को क्या करना चाहिए, हमें आजीवन ब्रह्मचर्य चाहिए और कुछ नहीं, और भगवान में रुचि और कुछ नहीं, आपके चरणों में। आप समझ लीजिए और हमें बताइए, हमको बोलना नहीं आता है ज्यादा। ये तो हम आपकी मर्जी से ही बोल रहे हैं, नहीं वरना मेरे जीवा भी नहीं काम कर सकती। गुरुजी मैं ऋषि प्रसाद की सेवा करती हूँ और वहाँ 4,000 के करीब जो है ऋषि प्रसाद हमारी बाई हैंड जाती है, हाथ हाथों हाथ हम भेजते हैं,
जो हम खुद घर घर जाके बांटते हैं वो 1000 है, और मेरा मन वहाँ जाने का नहीं करता, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ मैं 5-6 साल से आ रही हूँ, यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ ऐसे रहने नहीं देते, और मुझे हर बार, मैं नौकरी भी करती हूँ और वो नौकरी जो है कितना, कितना कमाती है गुरुजी महीने का? मुझे अभी फिलहाल 2000 ही मिलता है, अगले बस बात पूरी हो गई, यहीं रहेगी, नौकरी की जरूरत नहीं है, तेरे को खर्चा पानी खीसे कप जेब का खर्चा भी मिलता रहेगा यहाँ। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे आप सपने में दिखते हो, और जब मैं आपका जप और ध्यान करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल एकांत में करूँ, क्योंकि मेरा घर है, कुटिया है जो छोटी सी है, मैं चाहती हूँ जहाँ भी आपका जप और ध्यान करूँ वहाँ मेरा कमरा एकांत का हो बिल्कुल, और आप मुझे सपने में दिखते हो, चारों तरफ दिखते हो, और मैं बिल्कुल शांत और एकांत होना चाहती हूँ बापूजी, इसके लिए मैं क्या करूँ? कहाँ रहती? बापूजी मैं ग्वालियर से आई हूँ। तो महिला आश्रम में कभी कभी 15 दिन 8 दिन शांत कमरे में रहा करो, और दूसरी चाहना छोड़कर वासुदेव सर्वमिति करते करते एक में अंत हो जाए, ऐसे ईश्वर में रहा करो। बापूजी मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं कैसे आऊं? आप मुझे कुछ? अरे मूर्ख है तू, तो बोलना जानती है समझना नहीं जानती। 1 हफ्ता के लिए एकांत मौन में रहो, फिर जहां जाओ जहां भी रहो वहां एक में अंत कर लो, एक वासुदेव है सब, समझ लेना। घर में तो रहेगी, हफ्ता के लिए एकांत रह ली बस, अभ्यास बढ़ाते गए कभी कभी हफ्ता हफ्ता के लिए। हाँ गुरुदेव के चरण। बापूजी प्रणाम, मैं 2003 में दीक्षा लिया हूँ बापूजी। दीक्षा लेने के बाद बापूजी मेरे ऊपर 2 लाख रुपए कर्जा था, मैं बहुत मेहनत करता था बापूजी, आज मैं कुछ भी नहीं करता हूँ बापूजी, आराम से मेरे को 1.5 लाख रुपए तो मैं महीने से कमा लेता हूँ, फिर कोई सार नहीं लगता बापूजी उसमें मेरे को, महीने को 1.5 लाख रुपए, साल को 20 लाख रुपए कमाता हूँ लेकिन सार ही नहीं बापूजी, कुछ नहीं करता हूँ तो भी मिलता है बापूजी, कहीं नहीं कि हिम्मत नहीं होती बापूजी, मैं हिम्मत बनाया, कुछ सेवा दीजिए बस बापूजी। साल में 7-8 बार तो दर्शन कर लेता हूँ परिवार के साथ बापूजी, नागपुर आया फिर यहाँ पर आगा बापूजी। कहाँ रहता है? शिवनी में रहता हूँ बापूजी, नांदेड़ जिले में। आप कुछ भी नहीं करता हूँ बापूजी, फिर भी 1.5 लाख रुपए तो आराम से कमा लेता हूँ बापूजी, फिर भी कोई सार नहीं लगता बापूजी, फिर इधर ही बाकी आ जाता हूँ। 2 लाख रुपए कर्जा था बाबूजी, दीक्षा लिया मैं 2003 में, मेरी गंदगी तो बहुत थी, अब मैं बताता नहीं बाबूजी क्या क्या गंदगी छुट्टी सो, कहने की हिम्मत नहीं बाबूजी, मैं हिम्मत करके। ये मीडिया वालों को पहुंचाने की अकल नहीं है, ये पहुंचाए तो देश। वो भी मैं महीने को 10 लाख भी कमा सकता हूँ बाबूजी, लेकिन सार ही नहीं बाबूजी उसमें कमाने भी मैंने भी। इसका शूटिंग और ये मीडिया नहीं तो सत्संगियों तक पहुंचे तभी भी बहुत हो सकता है। हिम्मत नहीं हुई बापूजी, मैं हिम्मत उठा के बोला बापूजी। सुरेश सेवा बहुत, मीडिया विभाग को अपना बाबूजी, धंधे में तो बहुत ये बाबूजी, लेकिन फिर 8 दिन को महीने में साल में 7-8 बार तो आ जाता हूँ बाबूजी, नागपुर परिवार के साथ आते बाबूजी, कभी भी अकेला नहीं है बाबूजी मैं। ठीक है ठीक है, चलो दूसरे। बुराई बहुत थी बापूजी मेरे में। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ए नहीं करो प्रणाम, बहुत हो गए, कितने करोड़ रखूं? बस प्रणाम करके खाली बोलो प्रणाम। हाँ, और बात शुरू करो। गुरुदेव कैसे पाएंगे अपने उद्देश्य को बापू? बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बीच में ही झूले खाते हैं गुरुदेव, बैटरी चार्ज डाउन हो जाती है, बस बापू कैसे भी हो आपको पाना है गुरुदेव। कहाँ रहते हो, कौन कौन रहता है? गुरुदेव पुणे में रहते पतिदेव के साथ, और माताजी पिताजी रहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव वो भी आए हैं, और बापू आप उनको भी अपने सेवा में ले लीजिए गुरुदेव। गुरुदेव वो ड्राइविंग और सिक्योरिटी के सेवा में भी रहेंगे गुरुदेव, वो यही बैठे हैं बापू, बस आपको पाना चाहते हैं गुरुदेव, बहुत बहुत विकारों में गिरते हैं वहाँ पर गुरुदेव।
गुरुदेव विकारी जीवन बीत जाएगा फिर लाचार हो जाएगा ब्रह्म नाड़ी कमजोर होगी तो बेकार हो जाएगी। गुरुदेव 72 करोड़ में 22 नाड़ियां उसमें भी ब्रह्म नाड़ी सर्वोपरि है उसी को घिस पीट के आएंगे बोले बुढ़ापे में है क्या होगा। गुरुदेव रख लीजिए ना बापू यहाँ पर। हाँ क्या बोलती है। हाँ बापू गुरुदेव वो कितना कमाता है गुरुदेव वो टूरिस्ट का करते हैं और ट्रैवल्स मतलब टूरिस्ट का रह करते हैं और 20-30 हजार तक हो जाता है बापू। गुरुदेव वो यहाँ पर बैठे बापू आप उनको ले लीजिए ना अपनी सेवा में और हमें भी रख लीजिए बापू। रख लो सबको कहाँ है खड़ा हो जा गुरुदेव। अच्छा गुरुदेव तेरी औरत तो तेरा दान कर रही है अब क्या करेगा हैं तैयार है तू है कुर्बान बापू। कंपनी का मैनेजमेंट कठिन है इधर का सरल है मैनेजमेंट। कंपनी में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो इधर मिल सकते हैं लेकिन इधर के संचालक बेचारे बबलू पड़ते हैं इसलिए नहीं तो इससे 10 गुना काम हो सकता है। संचालक लोग बबलू पने से और ऊपर उठे तो 10 गुना काम हो सकता है ऐसा एनर्जी है अपने पास। अब करो आप लोग ये संचालक भी मिलजुल के और ये संचालकों को पता होना चाहिए कि दूसरे कोई आ जाएंगे तो तुम्हारी पोस्ट बड़ी होगी छोटी नहीं होगी। लौकर लौकर भगा ना आपके जो लाखों लाखों सब आश्रमवासी भाई और बहने हैं मैं सचमुच हृदय से कहता हूँ बापूजी उनके जैसा जीवन पूरे विश्व में नहीं है। बिल क्लिंटन के पास भी ऐसा जीवन नहीं है जैसा मेरा आश्रमवासी सब समर्पित भाई और बहनों का जीवन है बापूजी। सुरेश सुरेश भैया बुद्धि पे अल्लाह बिल क्लिंटन का भी ऐसा जीवन नहीं हो सकता। और ये सब गुरुदेव आप जैसे संतों की कृपा है आप जैसे आत्मज्ञानी महापुरुषों की कृपा है ये वो कमबख्त मीडिया नहीं जानती बापूजी। जैसा ही हमने टीवी पे देखा आपका ये कुप्रचार हम भागते भागते आ गए बापू पुनः से 30-40 लड़के हम सभी सेवा में आ गए बापू और अभी तो बापू हम संसार में वापस नहीं पसना चाहते बापू। बस आप आज्ञा दीजिए बापू पूरा भारत पूरा बापू पूरा भारत 1 घंटे में बंद करवा देंगे ऐसे हम सब साधकों में ताकत है बापू जी। गुरुदेव बस आप आगे दीजिए बापूजी पूरा भारत 1 घंटे में बंद कर देंगे बापूजी सबको पता चले हमारे बापूजी की क्या ताकत है सारे विश्व को पता चले हमारे बापूजी ने क्या दिया है। बापूजी आपकी कृपा से 40 तक मिलता है महीना पर मैं अभी कुछ नहीं रहना चाहता बापू यहाँ हम पति पत्नी शांति शांति रखो हरिओम सबका भला अपने को जो भी कष्ट देते हैं उनको भी कष्ट ना हो अपनी जो निंदा करते हैं उनकी भी अपन निंदा ना करें। निंदा किसी की
इतना भी कमाए सैलरी, फिर वृक्ष होने की तैयारी करो, फिर वृक्ष होने की तैयारी करो। अज्ञानी न जाने क्या क्या योनियों में भटकते, नलकुबर पेड़ हो गए थे बड़े, कहाँ पहुंचे थे कुबर, नलकुबर पेड़ हो गए थे। फिर नारद ने वरदान दिया और कृष्ण ने उखली से बांधी और उसका स्पर्श करके गति करा दी। नलकुबर उखली से इसीलिए बंधे थे। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को न जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा। हे राम जी, इस चित्त के दो प्रवाह हैं, एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। ऐसा कल्याण माता पिता आत्मा और मित्र भी न करेंगे जैसा कल्याण बारंबार विचारने से मेरा उपदेश करेगा। इससे माता पिता बंधु देवता भी उतना कल्याण नहीं कर सकते जितना सत्संग का बार बार विचार करने से होता है। इसने ठीक बोला, क्लिंटन इतना अंदर से ऊंचाई पर नहीं है जितना हमारे साधकों को, बाहर से भले कोई दिखे लेकिन अंदर से तो साधकों के ऊंचाई आध्यात्मिक ऊंचाई बहुत अच्छी होती रहती है। बिल गेट को भी आखिर छोड़ छाड़ के ही शांति चाहिए, नहीं तो करते कराते शांत होने। फिर हम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो उसकी भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि संसार समुद्र से निकाल लेता है।